नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीयू में स्टूडेंट्स के एग्जाम्स को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है उसके बारे में। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीयू में शिक्षक आभादेव हबीब जी। मैम, हमारे न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पहला सवाल तो यही कि डूटा जो टीचर्स एसोसिएशन है वो भी इन ओपन बुक एग्जाम्स का विरोध कर रही है और लगातार कर रही है, तो आपका जो मेन पॉइंट है इसको अपोज करने का वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन पूरे देश में एक सरप्राइज की तरह आया। फॉरेन एक अनाउंसमेंट से लॉकडाउन हो गया। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अपने घर गए हुए थे। एक जी बहुत बड़ा स्टूडेंट का ग्रुप है जो बाहर से आता है। आपको मालूम है, हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और अक्रॉस द कंट्री हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं। और सडनली 19 मार्च को पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि बंद रहेगा और उसके बाद लॉकडाउन में 24 मार्च से चला गया। तो हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। और इसके बाद एमएचआरडी या डीयू के जो सर्कुलर आए कि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई होगी, ई रिसोर्सेज से पढ़ाई होगी, उसके लिए कोई किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशनल मदद डीयू की ओर से या सरकार की ओर से नहीं हुआ टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तरीके से बहुत अनइवन तरीके से स्टूडेंट्स का पढ़ाई हुआ। और ये भी कॉलेजेस पे छोड़ दिया गया कि वो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, किस तरीके से मीटिंग्स होल्ड करें। डीयू ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हर डिपार्टमेंट में मीटिंग होगा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा पढ़ाने लिखाने का। मैं मिरांडा हाउस से आती हूँ और वहां बहुत तरीके की मीटिंग्स हुई हर एक लेवल पे और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए कुछ और कॉलेज पे, लेकिन पढ़ाई बहुत अनइवन थी इंस्टीट्यूशन की ओर से। और उसके बाद ये डिपेंड कर रहा था कि स्टूडेंट के पास कोई गैजेट है या नहीं, कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो मैं एज ए टीचर अगर एफर्ट कर भी रही थी तो मैं पूरी तरीके से हर स्टूडेंट के लिए एक तरीके से नहीं पहुंच पाई। मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 46 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ एक कोर्स में, और जबकि रीडिंग मटेरियल लोगों को मिला और उन्होंने कहा कि उनको मिल गया है, जूम पे कभी भी 12 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं आए। और ऐसा भी नहीं था कि वही 12 लोग आए हों। तो जब मैंने पूछा कि आप जूम पे क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ। और ये भी 20% बच्चों ने कहा कि घर का एनवायरमेंट ऐसा है कि हम जूम पे नहीं आ सकते। तो ये सारी चीजें हमारे सामने ऐसी हैं कि हम अगर अनइवन, मतलब इवन तरीके से नहीं पढ़ा पाए, एक अनइवन तरीके से हम बच्चों तक पहुंचे, तो जहां दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हम सिर्फ टर्मिनल स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 4 लाख स्टूडेंट है जो इस बारी एग्जाम देना चाह रहा है। तो 4 लाख स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। और हम 56 कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाते हैं, तो 56 कॉलेजेस का एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होना आज के दिन में ठीक नहीं, जब हर इंस्टीट्यूशन ने अलग मेहनत किया हो और एक ही टीचर की क्लास में भी स्टूडेंट पे हम अलग तरीके से पहुंच पाए हो। और हम तो किसी भी फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन को एक डिस्क्रिमिनेशन का तरीका मान रहे हैं इस समय। ओबी अपने आप में और ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसमें स्टूडेंट के पास किस तरीके का आज एनवायरमेंट है, वही निर्णय करेगा कि वो स्टूडेंट परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। क्या उसके पास रीडिंग मटेरियल पहुंच गया था, क्या उसकी क्लास हो पाई थी, आज उसके दिन में कनेक्शन कैसा है, उसके घर पे कनेक्टिविटी का क्या हाल है, क्या उसके पास कोई गैजेट है। देखिए, डूटा ने एक सर्वे किया था अपने स्टूडेंट्स के बीच में और उसमें 51,500 स्टूडेंट्स ने जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने वो डिपॉजिट किया। उसमें 75% स्टूडेंट्स ने कहा कि वो एक छोटे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए कि जूम की क्लास अगर हो रही है और छोटे मोबाइल पे पढ़ा जा रहा है, या कोई सी डॉक्यूमेंट को दिन रात छोटे मोबाइल पे पढ़ना, और कुछ बच्चे हैं 12% 13% जिनके पास लैपटॉप है, तो इन्हीं फर्क का, इन्हीं चीजों का जो असमानता है उसी का आप एक एग्जाम एक तरीके से ले रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट के हुनर, जिसमें स्टूडेंट के क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग का कोई एग्जाम नहीं। एग्जाम इस चीज का है कि आज आपके पास सुविधा है कि नहीं। जी, जैसे कि आपने इतना अच्छे ये
सर्वे की बात की, और लेकिन डीयू प्रशासन अभी भी इस चीज पर आमादा है कि वो एग्जाम लेगा, और इसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक मॉक एग्जाम भी लिया, जो कि एक्चुअली अपने नाम के हिसाब से ही रहा कि वो मॉकरी हो गया एक, तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मॉक एग्जाम से तो स्टूडेंट्स और भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, और मॉक एग्जाम ने उनको कॉन्फिडेंस देने की बजाय उनको और जिटरी और परेशान कर दिया। देखिए, ये समझना होगा कि ओबी अपने आप में एक डिफरेंट प्रक्रिया है एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो स्टूडेंट के लिए दो चीजें चेंज हो रही हैं, एक है प्रोसेस और एक है पैटर्न। और स्टूडेंट ये समझ रहा था कि मॉक एग्जाम में उसको सैंपल पेपर मिलेगा। देखिए, पढ़ाई हम जिस भी तरीके से करते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम को प्रिपेयर करने का एक तरीके में ये होता है कि 10 साल में क्या सवाल पूछे गए, किस तरीके से सवाल आएगा, मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं। और आज जब आपने ओबीई का फैसला लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब ओबीई का फैसला लिया, ये टीचर्स और स्टूडेंट को 14 मई को पता चला। यानी ये कि जो हमने लॉकडाउन पीरियड में भी पढ़ाया, 19 मार्च से लेकर हम लोगों ने पढ़ाया पूरे समय, 14 मई तक जितना भी पढ़ाया, ना टीचर को पता था ना स्टूडेंट को पता था कि उसे ओपन बुक एग्जाम लेना है। ओपन बुक एग्जाम का अपना एक पेडागोजी है, और हम लोग जो रेगुलर टीचर्स हैं, और हमारे सामने बहुत कम टीचर्स हैं जो जिन्होंने क्लासेस में ये कभी कभी असाइनमेंट के तौर पे या टेस्ट के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, पर ये किसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से न बताया गया ना बोला गया स्टूडेंट को ना टीचर को। तो स्टूडेंट ये होप कर रहा था कि सैंपल पेपर में उसका पेपर नजर आएगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब स्टूडेंट अपना लॉग इन करता है तो उसको दो जोन मिलते हैं। एक यह है कि आपने कौन से पेपर के लिए अप्लाई किया था एग्जाम फॉर्म में, तो वो लगभग इंफॉर्मेशन है, और दूसरा यह है कि आप कोई भी आप पेपर डाउनलोड करें, और उसमें स्टूडेंट को मिला सेकेंड ईयर का पेपर, उसमें स्टूडेंट को मिला एनुअल सिस्टम का पेपर, संस्कृत का पेपर पड़ा हुआ है, फिलोसफी का है, साइकोलॉजी का नहीं है। तो जो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है वो परेशान है कि बाकी पेपर जब लग रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के हैं या इसके हैं तो मेरा पेपर कहाँ है। तो एक तो स्टूडेंट को यही समझ नहीं आया कि वो कोई भी पेपर डाउनलोड कर ले और एक्स वाई जेड हो या फोटो बना के भेज दे, यूनिवर्सिटी उससे यही चाह रही है, वो परेशान हो गया। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेस में ही बहुत सारी गलतियों का होना, यानी कि स्टूडेंट रजिस्टर ही ना कर पाए, अगर स्टूडेंट का जो ओटीपी आना है ईमेल पे वो उसके पीछे वाले जो रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर है उसकी ईमेल पे जा रहा है कि ये आपका रोल नंबर है और ये आपका ओटीपी है, तो स्टूडेंट परेशान है कि मेरा ओटीपी कहाँ गया, तो वो रजिस्टर नहीं कर पा रहा। दूसरी बात ये है कि अगर कनेक्शन लू आपका ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी, तो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे सवाल को। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चार आपको 6 क्वेश्चन में से 4 करने होंगे एग्जाम में फाइनल में। तो उसी तरीके से पोर्टल भी बना है कि आप 4 सवालों के जवाब बना के उनको अलग अलग स्कैन कीजिए, यानी कि स्टूडेंट हर एक एग्जाम अपने सवाल पे अपना रोल नंबर लिखे, अपना नाम लिखे, क्या क्या उसको लिखना होगा, रोल नंबर वगैरह लिखना होगा, उसको 4 बार स्कैन करना पड़ेगा। देखिए, मतलब ये कि वो इस बात से परेशान है कि उसका अगर एक क्वेश्चन अपलोड हो गया दूसरा अपलोड नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी 5 MB का लिमिट है कि आप इससे बड़ी फाइल नहीं डाल सकते। अब हमारे पास आप देखिए डूटा में हजारों मेल्स आए, स्टूडेंट अभी भी लिख रहे हैं, आज सुबह भी लिख रहे हैं, रात तक लिखते रहते हैं। कई स्टूडेंट ने कहा कि हम SOL के स्टूडेंट हैं या हम कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं, हमें यही नहीं मालूम है कि फाइल को कैसे कंप्रेस करें, ये टेक्निक हमें नहीं आता है। तो आप समझ रहे हैं कि सारे इक्वली इक्विप्ड हैं टू रिस्पॉन्ड टू दीज सिचुएशंस, वेयर एज हमारे पास स्टूडेंट जो है इतने डाइवर्स तबके का आता है। और देखिए, यूनिवर्सिटी जिसमें 50% रिजर्वेशन SC ST OBC का हो, EWS का रिजर्वेशन हो, उसके बियॉन्ड भी मार्जिनलाइज सेक्शन का, गांव से पहली बार ही उठकर पढ़ने आने वाले बच्चों का, तरह तरीके का, मतलब ये जो जितनी सुंदर कहानियां थी कि कोई रिक्शे वाले का बच्चा आकर पढ़कर और क्या क्या बन गया, या कोई घर में काम करने वाली महिला का बच्चा आगे बढ़ रहा है और DU पढ़ा रहा है, ये सारी कहानियों पे आपने इग्नोर ही कर दिया। आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो स्टूडेंट को उसके क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सब्जेक्ट की समझ को इवेल्युएट नहीं कर रहा,
उसको ऐसी तकलीफ पहुंचा रहा है कि उसका एग्जाम कैसे होगा उसे मालूम नहीं। इसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो रूटीन प्रोसेस में एग्जाम होता है, हमारे कमरे में जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए प्रोसीजर सेम रहता है। उसको घर से ड्रॉ करके, उसके छोटे कमरे हो चाहे बड़े कमरे हो, उसके पास किस तरीके के गैजेट है नहीं है, पर उस दिन जब एग्जाम हो रहा होता है आप एक एनवायरमेंट देते हो और वो एक एनवायरमेंट सबके लिए होमोजीनियस होता है। दूसरी बात यह है कि हर एक बच्चे को टीचर उतना ही अटेंशन देता है, किसी में भेदभाव नहीं होता। जो बच्चा शीट मांगता है उसके ऊपर हम भाग के जाते हैं, उसको शीट देते हैं, पानी चाहिए तो पानी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी ये नहीं समझ रहा कि ओबी कंडक्ट करने में वो एक डिस्क्रिमिनेटरी एग्जाम फॉर्म लेकर आ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि हमें ओपन बुक के लिए तो बुक चाहिए, ये भी सवाल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक और बड़ी परेशानी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो जानी जाती है अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए और एग्जामिनेशन के लिए। क्या हम एक ऐसा एग्जाम अपनाने जा रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी पे ही सवाल है? उसकी क्रेडिबिलिटी पे इसलिए सवाल है कि वो अगर स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर और ओटीपी किसी को दे दिया तो ये एग्जाम कौन लिखकर भेज रहा है ये यूनिवर्सिटी जांच नहीं कर पाएगी। और ये होने ही वाला है कि एग्जाम को रिक किया जाएगा, ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड नहीं है क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है और हम आज तक अपने एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट मान के उसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट इन्वॉल्व होते थे, कर्मचारी इन्वॉल्व होते थे, और आज हम एक ऐसा फॉर्म ला रहे हैं जिसमें जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है वही मार्जिनलाइज होगा और जो पैसा खरीद के कोई घोस्ट राइटर को खरीद सकता है, जिसके घर में बड़ा भाई या कोई और मदद कर सकता है, बहन मदद कर सकती है या पेरेंट्स मदद कर दें, इस तरीके का जो घोस्ट राइटिंग होगा उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जिस तरीके से ये एग्ज़ाम एक क्वालिटी एजुकेशन के खिलाफ है और इस सारे विवाद में एक ये चीज़ भी सामने आ रही है कि ये आप एक्चुअली क्या कर रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है जो उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन? देखिए क्वालिटी पे तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थीम अलग होता है एज अपोज टू एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और स्पेशलाइजेशन के लिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो MBA का हो, मैनेजमेंट का हो या कुछ। हमारे पास एक मास एजुकेशन के लिए स्टूडेंट आते हैं जिसमें रिजर्वेशन एक के तौर पे, एक पॉजिटिव चीज की तौर पे हम वेरियस सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट को लाते हैं। तो कोई भी प्रक्रिया हो चाहे हमारा क्लासरूम हो चाहे वो इवैल्यूएशन सिस्टम हो एडमिशन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को हमें निकाल देना है। दैट इज द फर्स्ट एश्योरेंस वी हैव टू गिव एंड वी आर फेलिंग इन दैट। टीचिंग ठीक से नहीं हुआ और मैं अभी भी बताना चाहती हूँ कि अगला सत्र शुरू होने वाला है, आज तक कोई मीटिंग यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ जिसमें उन्होंने सारे टीचर्स को इन्वॉल्व किया हो, जिसमें डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया हो ये समझने के लिए कि कितना प्रतिशत ऑनलाइन हो कितना प्रतिशत ऑफलाइन हो, क्योंकि हमें मालूम है कि कोविड का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। तो हमारा टीचिंग पे फोकस ना होना और आज के दिन में सिर्फ एक इवेल्युएशन पे फोकस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि जब पूरे विश्व में बहुत सारे यूनिट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स ने एग्जाम्स को रद्द कर दिया और एक अल्टरनेट फॉर्मूला दिया है कि आप पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर और जो आपका प्रेजेंट इंटरनल असेसमेंट है उसको देखकर आप एक ग्रेड दीजिए इस सेमेस्टर का, और स्टूडेंट के पास 31 जुलाई तक या जब भी सेशन बाहर की यूनिवर्सिटीज में अलग समय होगा, सेशन शुरू होने से पहले उनको डिग्री मिले, तब ये हमारी समझ से बाहर है। और ये देखिए यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी कर रहा है और इंसिस्ट नहीं कर रहा कि उनको तो एग्जाम बाद में लेना ही पड़ेगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए कर पा रहे हैं तो आप ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के लिए ही क्यों अड़े हुए हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। तो ये जो टीचर्स और स्टूडेंट आपको क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव दे रहे हों और आप नहीं मान रहे, उसमें तो फिर हमें एक ही चीज समझ आता है कि इसमें रुपया इन्वॉल्व है। और आप देखेंगे कि जो OBE का मॉक एग्जाम चला उसमें ऊपर जो स्ट्रिप है उसमें Amazon आ रहा है, तो यानी कि ठेके दिए जा चुके हैं। ओके, एंड दिस इज अबाउट मेकिंग मनी। ओके, सो यूनिवर्सिटी में बी स्पेंडिंग एनीथिंग बिटवीन 2.5 करोड़ टू 7-8 करोड़ इन रनिंग सच एन एग्जाम। DTU जैसी छोटी यूनिवर्सिटी में भी हमने सुना कि सेवरल करोड़ हैव बीन स्पेंट ऑन अ ओपन बुक एग्जाम।
तो ये जो आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जो बात कही गई, मेरे ख्याल से तो ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिजनेस जो कंपनीज हैं उसको आप मुनाफा पहुंचाना चाहते हो, और दूसरा वो लोग होंगे जो एग्जाम को रिग करेंगे। तो ये दोनों तरीके का बिजनेस जो है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज में ऑनलाइन वगैरह के ऊपर फोकस है, उससे भी जोड़ के ये देखते हैं, हमें डर लगता है कि टीचर और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रिप्लेस करने का एक तरीका हो सकता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आज के दिन में जब 50% जनता 25 साल से कम उम्र की है, हमें एक ग्रेटर कमिटमेंट चाहिए सरकारों से कि वो ज्यादा स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। तब अगर आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दस्तावेज में लिखा होगा कि 40,000 कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से घट के उनका नंबर 15,000 होना है, चाहे आप उनमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की संख्या बढ़ा भी दें, तो 15,000 क्या 40,000 को रिप्लेस कर सकती है? तब आप किस तरीके का एक्सपेंडिचर देख रहे हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का होगा, और किस तरीके का विड्रॉल फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सरकार का, ये देखने ही वाली बात है। जी, एक चीज इसमें है कि DU का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लंबे टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से काम कर रहा है, और इस एग्जाम लेने के पूरे डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस था वो भी काफी अनडेमोक्रेटिक लगा, क्योंकि ACEC को नहीं बुलाया गया, वो सारी चीजें, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि हमें 6 मई को एक सर्कुलर के जरिए पता चलता है कि 15 मेंबर्ड कमेटी बनाई गई है जो एग्जामिनेशन को देखेगी, और उस 15 मेंबर्ड कमेटी में फैकल्टी या डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसमें कोई भी इलेक्टेड मेंबर को रखा नहीं गया। अकेडमिक काउंसिल में 26 इलेक्टेड मेंबर्स हैं टीचर्स, और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 हैं, देन देर इज डूटा, देन देर इज डूसू। किसी भी तरीके का आप इस कमिटी में रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट और टीचर को नहीं मिला, और जो पहला सर्कुलर था 14 तारीख को वो इतना डिस्टर्बिंग था। जब 14 मई को सर्कुलर आया तो उसमें बिल्कुल नहीं लिखा कि जो स्टूडेंट अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या सेवरल हंड्रेड ब्लाइंड स्टूडेंट्स और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स की है, उनके लिए क्या होगा? आप पहला सर्कुलर निकाल रहे हैं 14 मई को और उसमें कुछ नहीं कह रहे, ये तो यही दिखा रहा है कि आप बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, और आप इसलिए ऐसा कर, मतलब एक जब कमिटी इस तरीके के बनती है तो उससे साफ हो जाता है कि प्रशासन अपना कोई मॉडल थोपने की तैयारी में है, और वो बचना चाहता है उसको किसी भी बड़े फोरम पे डिस्कस करने से, और यही ओपन बुक एग्जाम के साथ हुआ है। और अभी भी मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से हमें आगे सत्र में पढ़ाना है उसके बारे में कोई विचार आज के दिन में यूनिवर्सिटी से लेकर नीचे तक हुआ नहीं है। फॉरेन एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग्स होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि ट्यूटोरियल बड़े कमरों में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, कौन सी चीज को ऑनलाइन कर दे, क्योंकि आज जितना कोविड फैल रहा है लॉकडाउन के बाद, मेल्ट होने के बाद जितना फैल रहा है, और हम आज के दिन में विश्व में तीसरी कंट्री पे आ गए हैं जिसमें कोविड से अफेक्टेड लोग हैं, वहां पे साफ जाहिर सी बात है कि अगस्त सितंबर में ये मामला थमने वाला नहीं है। तो जब ये मामला थमने वाला नहीं है तो हमें तो सोचना है कि स्टूडेंट का टीचिंग लर्निंग का नुकसान ना हो, तो उसके लिए जो डिस्कशंस अभी से स्टेट्यूटरी बॉडी में होना चाहिए। और देखिए, स्टेट्यूटरी बॉडी में डिस्कशन होने से ये भी होता है कि जब हम एक बड़े प्लेटफॉर्म में डिसीजंस लेते हैं तो ऑलरेडी एक लोगों के बीच में बातों का जाना, डिसमिनेशन होना, उनका माइंडसेट बनना, उनको समझ आना, उनका इंटरवेंशन हो पाना, वो आसान हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी ना पढ़ाई लिखाई के मामले में ये कर पा रही है, और ना वो उसने ओपन बुक एग्जाम में ही टीचर्स और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अब कल MHRD का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब क्योंकि इसके खिलाफ टीचर्स एसोसिएशन भी है, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन कुछ नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके खिलाफ हैं, तो आपका आगे का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए, तमाम स्टूडेंट्स कोर्ट में भी हैं, और आज एक कोर्ट हियरिंग भी है,
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि MHRD UGC का ही जो लेट नोटिफिकेशन का लाया गाइडलाइन आई, ऐसी गाइडलाइन निकालने में उनको 10 दिन कैसे लगे मुझे मालूम नहीं, और ये गाइडलाइन जरा भी रिलीफ की तरह से नहीं देखा जा सकता, ये बिल्कुल पुरानी बात को रीट्रेट करता है, बल्कि और स्पष्ट तरीके से कह देता है कि टर्मिनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के तो एग्जाम होने ही चाहिए। अब इसमें कल जो एक कोर्ट हियरिंग में UGC ने कहा कि मेरी गाइडलाइन जो है वो स्टेट मानेंगे नहीं, वो एक गाइडलाइन है, वो कोई पाबंदी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि दोबारा से बात तो यही है कि जहां पे देश में कई स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल चुका है, आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें 4 लाख स्टूडेंट है जिनको एग्जाम लेना है, और बाकी कितनी यूनिवर्सिटी जो वेट कर रहे थे, आप उन्हीं को ये रिलीफ डिनाई कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, ये एक पॉलिटिकल मामला भी है, और आज सरकार अपना मुंह मोड़ रही है इस बात से कि जो यूथ है, और सिर्फ यही बात नहीं कि कोविड से लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे पास तो रोज मैसेजेस आ रहे हैं किसी स्टूडेंट के कि मैं क्वारंटाइन में हूँ, मुझे कोविड हो गया है, मेरी फैमिली को कोविड है, या केरला में क्योंकि कल से ही लॉकडाउन शुरू हुआ, देवर मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स के हम हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया है, मेरे घर में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अब मैं घर से बाहर निकल के भी एग्जाम नहीं दे सकती। तो ये सारी स्थिति के को अनदेखा करते हुए जो गाइडलाइन आई है उसमें किसी भी तरीके का जो हम इश्यूज उठा रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उसके ऊपर कोई रिएक्शन UGC ने नहीं दिया। तो यह बहुत ही अफसोस की बात है, और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जिन्होंने रिलीफ दिया है, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो रिलीफ देना चाहते हैं, उनको इस बात पे सेंटर से एक तरीके से कहना पड़ेगा कि वो ये रिलीफ अपने स्टूडेंट्स को दें, क्योंकि ये अगर सेंटर जिम्मेवारी नहीं ले रहा तो स्टेट्स को तो लेनी है, क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबल है अपने लोगों के प्रति। दूसरा, ये मुहिम जो हमारा मूवमेंट चल रहा है वो स्टूडेंट और टीचर का ज्वाइंट मूवमेंट है, और कोई भी हम जो डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के अपने स्टूडेंट्स के साथ लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का तो हाल बहुत खराब हो गया, क्योंकि जो एग्जाम 1-2 जुलाई से शुरू होना था वो पहले पोस्टपोन होकर 10 जुलाई हुआ, और आज भी कोर्ट में जो कल हियरिंग हुआ, साफ साफ DU से कहा गया कि अभी भी आपने कहा था ये टेंटेटिव डेट शीट है, आप अभी तक डेट शीट नहीं लेकर आए, आपने अभी तक अपने शेड्यूल नहीं बताए, तो ये आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? तो आज के दिन में क्या इस एग्जाम को धकेल दिया जाएगा कुछ और दिन? तो स्टूडेंट का जो फोकस है, स्टूडेंट का जो मेंटल वेलबींग है, वो और कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम अपील करेंगे दोबारा से कि इसको रिव्यू किया जाए, पर आज के दिन में मुझे लगता है कि क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल मामला भी है, हम चाहेंगे कि इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना विचार इस पे बनाएं और बताएं, क्योंकि यूथ आज सबसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या उसके मेंटल और फिजिकल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लॉकडाउन के चलते, इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते बहुत सारी फैमिलीज बिल्कुल क्रश्ड हो चुकी है, और किसी भी तरीके का डिले इन डिग्री आल्सो में मीन डिले इन जॉब कैन मीन कि वो आगे नहीं जा सकते, आगे पढ़ाई नहीं हो सकती। आज के दिन में तो सरकार का फोकस एग्जाम से ज्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप्स नहीं हुई तो तमाम स्टूडेंट है जो अगली डिग्री के लिए घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारे मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल मामला है, वेलबींग का मामला है, और इसमें हम चाहेंगे कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी एक दखल होना चाहिए, और एक स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रोल है वो उनको निभाना चाहिए टू ब्रिंग रिलीफ एंड कंटिन्यू विद द रिलीफ सो दैट इट स्ट्रेंथन्स आवर केस ऑल्सो। Thank you.